राजस्थान स्थित जयपुर के प्रताप नगर के 301 यात्रियों द्वारा की जाएगी शिखर जी की वंदना। 27 से 31 दिसंबर के मध्य होगा 5 दिवसीय यात्रा का आयोजन। जयपुर की युवा परिषद अग्रवाल समाज 84 प्रवासी समिति के तत्वावधान में होगा रक्तदान शिविर का आयोजन। 24 दिसंबर को लगाया जाएगा शिविर। आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के सानिध्य में होगा उपाध्याय पद संस्कार समारोह का आयोजन। 3 जनवरी को आचार्य पदारोहण दिवस के शुभ अवसर पर राजस्थान डी के बॉलखेड़ा स्थित जम्मू स्वामी तपोस्थली पर होगा समारोह का आयोजन। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सरिता डागर सहित मंडल के सदस्यों ने विधायक दीप्ति महेश्वरी से की भेंट वार्ता। राजस्थान के जयपुर स्थित नारायण सर्किल स्थित भट्टारक जी किनसिया में जैन पत्रकार महासंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक का आयोजन 20 दिसंबर को हुआ। 21 जनवरी को आयोजित होने वाले महाधिवेशन के विषय पर प्रबुद्ध जनों ने किया विचार विमर्श। देश की सबसे बड़ी दिगंबर जैन संस्था भारत वर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के आगामी 5 वर्षीय 2024 से 2028 राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव हेतु नागपुर के संतोष जैन पेंडारी ने 19 दिसंबर को किया अपना नामांकन। 21 दिसंबर को आरिका रत्न श्री पूर्णमती माताजी सत्संग का मंगल विहार लवारी गांव से श्याम कोल्ड स्टोरेज मोहनपुरा की ओर हुआ। राजस्थान की ओर बढ़ रहे हैं आरिका संघ के कदम। उत्तर प्रदेश के आगरा में आरिका रत्न श्री आर्षमती माताजी सत्संग के सानिध्य में होगा भक्तांबर महाकुंभ दीप अर्चना का आयोजन। 31 दिसंबर को गुरु माँ सत्संग के सानिध्य में भक्त करेंगे प्रभु आराधना। 24 दिसंबर को उत्तर प्रदेश गाजियाबाद के सूर्यनगर स्थित अतिशय क्षेत्र शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में समाधिस्थ आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज का मनाया जाएगा 13वां तपस्वी सम्राट समाधि दिवस। साथ ही आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज सत्संग का होगा पिच्छी का परिवर्तन समारोह।